अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाही व बरकातुहू। मैं नरगिस शाहिद अहमद तुलवे अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज हम जमात हफ्तुम उर्दू बाल भारती ये मज़मून पढ़ेंगे। बच्चों, आपको तो पता है कि हमारे खलीफा कितने हैं। हमारे खलीफा कितने हैं? चार हैं। नंबर एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम हमारे उर्दू मज़मून का सबक नंबर दो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सबक को लिखा है, इसके मुसन्निफ़ हैं सलीम शहज़ाद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरब और उसके अतराफ में मुसलमानों की जो हुकूमत कायम हुई थी उसकी निगरानी करने के लिए और वहाँ इस्लामी कवानीन को आम करने के लिए एक निज़ाम बनाया गया और उसे खिलाफत कहा गया। इससे पहले जमात पंजुम और जमात शशुम में आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बारे में मालूमात हासिल की है। इन दो असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनाए गए। तारीख़ में इन चार असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खिलाफत थी उस खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्लाम की इशात का ज़माना था। इस्लामी तालीम और इस्लामी माशरे पर इन मुल्कों के असरात भी पड़ने लगे थे। ख़ास तौर पर ईरानी तसव्वुरात ने अहमियत हासिल कर ली थी और इसका असर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर भी पड़ा। अब यहाँ पर हम अजीम शख्सियत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत और उनकी शख्सियत के चंद वाक़यात का मुताला करेंगे। इसके मुसन्निफ़ सलीम शहज़ाद। सलीम शहज़ाद 1 जून 1949 को धुलिया यानी महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में उन्होंने तालीम हासिल की और दरस व तदरीस का पेशा इख्तियार किया, यानी मौलिमी पेशा इख्तियार किया। उर्दू और अंग्रेज़ी अदब की तमाम असनाफ पर उनकी गहरी नज़र। तनकीदी किताबों के अलावा उन्होंने लुगात और उर्दू कवायद पर भी किताबें लिखी। फरंग अदबियात, दुआ पर मुंतशिर, जिम से जुमले तक और वीर गाता उनकी मशहूर किताबें हैं। एक बार का वाकया है कि मदीने में सख्त कहत पड़ा था। कहत यानी खुश्क साली। अनाज और पानी न मिलने की वजह से लोग बहुत परेशान थे। उन चीज़ों के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था। मदीने के एक हिस्से में यहूदी आबाद थे। यहूदी किनको कहा जाता है? यहूदी हज़रत मूसा अलैहि सलाम की कौम के लोगों को यहूदी कहा जाता है। तो मदीने के एक हिस्से में यहूदी आबाद थे जिनके मोहल्ले के पास कुआं था। कुएं का मालिक यहूदी लोगों को ज़्यादा कीमत पर पानी फरोख्त करता था। उस कुएं का पानी जो है वो ज़्यादा कीमत पर लोगों को फरोख्त करता था। गरीब मुसलमानों ने ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि लोगों को पानी की तकलीफ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा। यह ऐलान सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कुएं के मालिक के पास चले गए।
उन्होंने उससे कुआं खरीदने की बात की। बड़ी सौदेबाजी के बाद यहूदी सिर्फ आधा कुआं फरोख्त करने पर राजी हुआ। आधा कुआं इस शर्त पर फरोख्त किया गया कि एक दिन कुआं खरीदने वाला उसका पानी इस्तेमाल करेगा और दूसरे दिन यहूदी कुएं के पानी का मालिक होगा। कुआं खरीदने वाले साहबी ने सौदा मंजूर कर लिया, यानी आधा कुआं खरीद लिया। जिस दिन कुआं उनका होता, मदीने के तमाम बाशिंदे उसका मुफ्त पानी हासिल कर लेते। लेकिन दूसरे दिन कुआं यहूदी का होता था, उस वक्त यहूदी मुसलमानों को बहुत महंगे दामों में पानी फरोख्त करता था। तब मुसलमानों ने ये किया कि जिस दिन कुआं यहूदी का होता, उस दिन वो पानी खरीदने के लिए नहीं जाते थे। जिस दिन कुआं सहाबी का होता, उस दिन दो दिनों का पानी मुसलमान जमा कर लेते थे। परेशान होकर यहूदी ने पूरा कुआं सहाबी को बेचने के लिए हामी भर दी। सहाबी ने कुएं की बकाया रकम भी यहूदी को अदा कर दी और कुआं मदीने के सभी बाशिंदों के लिए वक्फ कर दिया। कुआं खरीदने वाले सहाबी हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला बिन अफ़्फ़ान थे, जो बाद में मुसलमानों के तीसरे खलीफा हुए। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान मक्के का एक मुमताज़ आला और बा इख्तियार ख़ानदान था, जिसका शुमार कबीले कुरैश के रईसों में होता था। उनकी वालदा अरवा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदार थी। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मयाना कद यानि दरमियानी कद और मज़बूत बदन के खूबरू शख्स थे। खूबरू का क्या मतलब होता है? हसीन व जमील। ये बात भी मशहूर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़्यादा मुशाबिहत थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में बहुत सारी खूबियाँ थीं, जैसे वो नहायत बाहया यानी शर्मीले थे, सब्र करने वाले थे, नर्म दिल और सखी थे। अपनी सखावत की वजह से, सखावत यानि फयाजी, अच्छा सलूक, सखावत की वजह से उनको गनी का लकब दिया गया। वो सफाई पसंद थे, रोज़ाना गुस्ल करते, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते और खुशबू लगाते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद हर जुमा एक गुलाम आज़ाद करना उनका शियार बन गया था, शियार यानी तरीका। खुद सादा खाना खाते, लेकिन मेहमानों को हमेशा लजीज और उम्दा खाना खिलाते थे। खलीफा बन जाने के बाद भी उन्होंने कभी खुद को आम मुसलमानों से बरतर और अफजल नहीं समझा, अफजल आला। वो सबके साथ बैठते, सबकी इज्जत करते, लेकिन किसी से अपनी तकरीम की ख्वाहिश न करते थे। तकरीम करना, तकरीम यानी इज्जत। एक मर्तबा अपने एक मुलाजिम से कहा कि मैंने तुझ पर जो ज़्यादती की है, मुझसे उसका बदला ले ले। और ज़िद करके उन्होंने मुलाजिम से अपने कान पकड़वाए। जब उसने नरमी से उनके कान पकड़े तो कहा, भाई खूब ज़ोर से पकड़, क्योंकि दुनिया का बदला आखिरत के बदले से आसान है। इंसानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब हम कोई गलती करते हैं तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में। साहबाए कराम अपनी किसी गलती को, उसकी सज़ा यहीं पर बर्दाश्त करना पसंद करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आखिरत में इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी बीबी रुकैया
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया था। मक्के में जब मुसलमानों पर बहुत जुल्म होने लगा तो वहाँ के कुछ मुसलमान आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुल्क के अबस जाकर आबाद हो गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी अहलिया यानी अपनी बीवी मोहतरमा के साथ हबस की तरफ हिजरत कर गए। चंद बरसों के बाद जब ये बात मशहूर हुई कि मक्के के लोग मुसलमान हो गए तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस तशरीफ़ ले आए, मगर काफिरों के मुसलमान हो जाने की खबर झूठी थी। उनके जुल्म सितम मुसलमानों पर बराबर जारी थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के ही में रहे। उसके बाद मौका आया तो उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ मदीना हिजरत की, यानी मक्का से मदीना चले गए। एक बीमारी में जब बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी बीबी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दे दिया। यानि एक बेटी के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी बीबी उम्मे कुलसुम का निकाह कर दिया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से निकाह करने के सबब निकाह करने की वजह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाले कहा जाता था। ये सबक का आधा हिस्सा था। आधे हिस्से के लिए अगला वीडियो बहुत जल्द आपके सामने पेश किया जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।